आप पूरे साथ में निकल आते हैं घर से, पूरे साथ में निकलते हैं घर तकरीबन। हाँ क्योंकि पता होना चाहिए था। वैसे निकला करो। नहीं नहीं ठीक है, वैसे पूछ रहा हूँ, अक्सर मैं आ जाता हूँ ना पौने सात में, वहाँ पे आ जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा। अब मुझे पता लग गया ना कि आप सात में निकलते हैं, जब पाँच निकलना निकलने देर हो ही जाती है। हाँ जब सात बजे में पाँच मिनट हो गए मैं तब निकला करूँगा। इसकी तरफ
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका आवाज आ रही है मेरी? आर यू लिसनिंग मी? आपको आवाज आ रही है यहाँ पे मेरी या मेरे आसपास माहौल की? शुक्र अल्लाह का, आपको आवाज़ सबको क्लियर आ रही है मेरी। दिस इज़ अ नोजी एटमॉस्फेयर अराउंड मी एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ क्लासेस इज़ गोइंग टू ऑफ एंड द नेक्स्ट सेशन इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। वी एंडेड द लास्ट टॉपिक ऑन द टॉपिक ऑफ एनीवन प्लीज इन्फॉर्म। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट जो टॉपिक किया था मुझे वो बताएंगे आप कौन सा किया? कर्जा पॉलिसी। अली भाई खाएंगे? खाना तो होता नहीं, आपने मुझे शर्मिंदा ही करते हैं। अरे भाई कभी तो मुझसे खा लिया करें आप। अच्छा अच्छा शाबाश इधर जफर, आपने सही लिखा। वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, खाजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं पाकिस्तान के, कुछ हेडिंग्स हमने की थी। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे ने इसको शेयर किया हो ग्रुप के अंदर या यहाँ पे भी। जो हमने पॉइंट्स किए थे खारजा पॉलिसी के मकासद क्या क्या हैं पाकिस्तान के, बच्चे आना शुरू हो गए हैं, 10-11 बच्चे हो गए मेरे पास। बच्चे वक्त पे आया करें ताकि हम उसको स्टार्ट किया करें और वक्त पे खत्म किया करें। मैंने देखा मैं वक्त पे आ गया हूँ लेकिन खाना मैंने साथ साथ खा रहा हूँ मैं।
एक हाई टी हिना जफर किया था, लेकिन शायद मेरी बसारत से ना गुजरा हो, माजरा चाहता हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में भी इंटरप्शन भी रही थी, इस वजह से हो सकता है कि मैं मेरी तरह से इंटरप्शन हुई, वो आपने शेयर किया हो बाकियों को नजर आ गया हो, मिल गया हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। अच्छा जी, ग्यारह से मैं सब फिर दस रह गए, या तो इंटरप्शन तो नहीं हुई किसी की, या मेरी तरफ से इंटरप्शन हुई। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपके तरफ से बिल्कुल जमूद है। आ रही है आवाज, शुक्र है निमरा। सिर्फ आप ही बोल रही हैं, मुझे अब सात बच्चे रह गए मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन, मैं क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कैसी मुश्किल आ गई मुझ पर, क्या करूं क्या ना करूं। चलिए बच्चे, आज मैं आपको ना एक मुख्तसर बड़ा शॉर्ट करके एक टॉपिक करवा रहा हूँ, उसके पॉइंट्स बनाकर, और उम्मीद है आपको वो समझ आ जाएगी, वो है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात क्या है। पाकिस्तान के आप अब लिखें हमसाया और मुस्लिम ममालिक भी हैं साथ, उनके साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात लिख लें, या पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, वालेकुम सलाम सना कवल, बच्चे आना शुरू हो गए, अभी भी 11 बच्चे हैं मेरे पास। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात निमरा महीन साहिबा ने लिख दिया है कि, और हाँ जी सना साहिबा ने भी लिख दिया है, मुझे लगता है आज दो तीन बच्चे मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, दो तीन के अलावा और कोई नहीं है।
लंबी क्लास है, शायद नींद आ जाती है, या मेरा पीरियड ही क्लास मेरा कोई बोरियत वाला सब्जेक्ट है ऐसा, या ये भी है कि आप लोगों ने यही चीज़ें मैट्रिक में भी की थी, यही चीज़ें इंटर में भी की थी, आप फिर वही करने की आपको मजबूरी है, आपका वो इरफान आपका ये होगा कि हमें सब कुछ आता ही है, पहले भी हम मैट्रिक में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, इंटर में भी पढ़ी हैं, तो आप वजीद उन्हीं को रटा लगा लेंगे, पेपर देंगे, और अच्छी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि बुरी सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन फिर भी आपको वक्त दे देना चाहिए। हफ्सा मेरी साहब भी सुन रही हैं, तो सीफ साहब भी आ गए हैं आज, बड़े दिनों के बाद मैंने इनको देखा है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो सीफ साहब आज हम करने लगे हैं पाकिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, मैं साथ साथ ब्रेड भी खा रहा हूँ, इस वक्त बहुत ज्यादा गला जो मेरा ना वो थक चुका है, टायर्ड हो चुका है बिल्कुल, तो इसलिए एनर्जी लेके आ रहा हूँ अपने गले से, गले में एनर्जी को मैं भर रहा हूँ अंडा ब्रेड के साथ, जैम भी लगा हुआ है साथ में, मेरे मुंह में ब्रेड, आपके मुंह में पानी आएगा, तो ही हम अच्छे तरीके से मुस्बत और मनफी पहलू मिलेंगे, तो ही एक अच्छी रवानी होती है, अच्छी रवानी चलेगी, मेरे मुंह में खाना ब्रेड आ रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो ये सफर हमारा आज का भी अच्छा चलेगा, जिस जिसके मुंह में ज्यादा पानी होगा वो ज्यादा अच्छा सफर चलेगा आज का हमारा उसके साथ। बस थोड़ी देर आ गई, पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के ताल्लुकात पर सबसे पहले हम बात करेंगे साथ में, अवामी जमहूरिया चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात। पाकिस्तान और चीन हम सहम ममालिक हैं जिनकी मुश्तरका सरहद जो है ना तकरीबन 600 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान और चीन की सरहद, यहाँ से लोग जाते हैं ना सैर करने के लिए, हम हंसा हंसा से आगे वो जगह है अलीपुर, कौन सी जगह, हंसा से आगे जहाँ पे इसका चाइना का बॉर्डर है, जहाँ पे उस जगह का नाम है यार इतना खंजराब, शाबाश, ओ सॉरी सर खंजराब, खंजराब है हंसा से आगे, वो एक बॉर्डर, हम ये समझते हैं कि चाइना सिर्फ वहीं तक ही है, चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद जो है ना वो 600 किलोमीटर तवील है, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। हम मौजूद हैं ऑनलाइन, बच्चे आप हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, मुझे नहीं लगता आ रही होगी, नेट ऑन करना पड़ेगा, देखो शुक्र है आपका आवाज आ रही है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, लाइट गई है तो मुझे लगा था कि शायद इंटरप्शन होती होगी। अच्छा अलीना का मैसेज आया, दीना साहिबा के साथ मैंने आज साग के साथ नाश्ता किया है, आपने इतनी बड़ी चीज खा ली है, आपको मुझे लगता है कि कहीं नजर ही ना लग जाए, मोटी हो जाए कहीं, ब्रेड खाया करें साथ अंडा और साथ जैम लगा के, फिर आप स्मार्ट रहेंगे। चले अल्लाह ताला आपके रिस्क में मजीद इजाफा करे, और आपके अच्छा अगर अच्छा साग बना था साथ मकई की रोटी, देसी घी से तली हुई रोटी भी थी, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर हमें भी अल्लाह ताला कभी मुस्तफीद करे आपके इस फैज से तो हम खुश होंगे बड़े, सारी क्लास के साथ बा जमात आपके लिए ढेर दुआएं भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ये रिजक में खैर और बरकत फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती दे आपको, आपके बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको, आमीन सुमामी। अच्छा अभी हम करने लगे हैं पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के ताल्लुकात के हवाले से हम बात करने लगे, सबसे पहले हम सही ममालिक में जो अहम
दो साइडों पे, एक तरफ चीन है और एक तरफ जो है ना वो भारत है। इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं, भारत के साथ कशीदगी के हवाले से है और चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो चीन जो है वो एक रियासत है इस मौजूदा दौर की सुप्रीम पावर बनती हुई उभर रही है दुनिया के नक्शे में, तो पाकिस्तान उसके पहलू में है, इसलिए भी चीन की बहुत अहमियत है पाकिस्तान के नज़दीक। इसकी सरहद जो है ये सिर्फ हंजा से आगे खुंजराब पे ही नहीं है, बल्कि इसकी पाकिस्तान और चीन की जो सरहद है पहाड़ों का तवील सिलसिला एक जारी और सारी है। तो पहाड़ों का सिलसिला है, एक तरफ पाकिस्तान है और साथ दूसरी तरफ चीन की सरहद है। 600 किलोमीटर लंबी यह तवील सरहद है, नोट कर लीजिएगा आप, 600 किलोमीटर में मुश्तमिल सरहद है पाकिस्तान की और चीन की मुश्तरका सरहद। इनके बाहमी ताल्लुकात शानदार रवायात और करीबी दोस्ती पर मबनी रहे हैं हमेशा, शानदार रवायात और करीबी दोस्ती पर मबनी रहे हैं। पाकिस्तान 1947 में बना, तो 1949 में अक्टूबर में अवामी जमहूरिया चीन के क्याम के चंद माह बाद पाकिस्तान इसे तब्दीलिम करे। पाकिस्तान अवामी जमहूरिया 1949 में, चीन जो है ना ये भी रियासत बना, जब इसका अवामी जमहूरिया चीन के नाम से ये रियासत कायम की गई 1949 में, पाकिस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया और बाद अजां सफारती ताल्लुकात कायम किए गए चीन के साथ। 1949 पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम है चीन के साथ। पाक चीन दोस्ती, एक पॉइंट इसकी हेडिंग आप पहले देंगे, पाक चीन दोस्ती। पाक चीन दोस्ती 1955 में ये दोस्ती शुरू हुई थी बकायदा। ताल्लुकात तो तस्लीम तो पाकिस्तान ने 1949 में तस्लीम इस चीन को कर लिया था, आज़ाद अवामी जमहूरिया चीन रियासत के तौर पर, लेकिन कि बकायदा जो दोस्ती हुई है, जो वज़राए खारजा या वज़राए आज़म की मुलाकातें जब होती हैं, दोनों के जो सरबराह होते हैं रियासतों के आपस में मिलते हैं, ताल्लुकात को एक रुख देते हैं, एक नज़म देते हैं, मनज़म तरीका देते हैं। तो वो हुआ था 1955 में, एक बनडोंग में बनडोंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको शायद आपकी मलाम उससे बहुत अच्छी है, तो फिर भी आपको ज़रूरत तो है। बनडोंग मैं आपको लिख देता हूँ, बनडोंग बिंगडोंग से बनडोंग कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, हाँ जी कॉन्फ्रेंस एक हुई थी बनडोंग में 1955 में, पाकिस्तानी और चीनी वज़राए आज़म की मुलाकातें हुई वहाँ पे। तो उसके बाद या फिर मुलाकातों का सिलसिला आज तक कायम है, हमेशा जब भी कोई मसला कोई मसाइल पाकिस्तान में आते रहे हैं, या कोई तरक्याती काम करना है या कोई मनसूबा, पाकिस्तान में चीन ने बहुत सारे मनसूबे बनाए हैं, अभी रिसेंटली जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा आपके सामने है, इसके अलावा बहुत सारे सड़कों की तामीर के हवाले से बहुत सारे मनसूबे तामीराती चीन के साथ हो गए हैं। तो ये दोस्ती का सिलसिला 1955 से बाकायदा तौर पर बनडोंग कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, बनडोंग कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। दूसरी हेडिंग आप देंगे सरहदों का तायुन, में दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की हद बंदी की कोशिश को पहुंचा गई पूरी लाइन, जो 600 किलोमीटर की जो लाइन आपके सामने मैंने आपको बताया ना, 600 किलोमीटर की लाइन जो सरहदी लाइन है।
बच्चे आप सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक रहे, मैं अभी आता हूँ वापस आपके पास, ठीक है? हो जाएंगे आज जो बुगदर फेंका ना उसकी वजह से होंगे आज फुल बल्कि हम अंदर आओ तो अगला प्रश्न कर लीजिए जो कल का भी है अपने कटवाई हो जाए अरे आया नहीं सर जी हम राइट बैक लिसनिंग आवाज आ रही है आपको आवाज आ रही है आपको चले ठीक है शुक्रिया कहाँ तक पहुंचे थे हम पाकचीन दोस्ती सरहदों का तायुन हमने हाँ ये हम पॉइंट कर रहे थे सरहदों का तायुन उसमें 1961 में आप देखें ना दोनों ममालिक के दरमियान सरहदबंदी की कोशिश मैंने आपको बताया कि की गई सरहदबंदी की कोशिश की गई दोनों ममालिक के दरमियान और 600 किलोमीटर की पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बाउंड्री लाइन बना दी गई 600 किलोमीटर की तवील बाउंड्री लाइन हमें तो अभी जब हंजा से आगे हम खंजराब जाते हैं ना हमें छोटा सा बॉर्डर नजर आता है यही बाउंड्री लाइन ही होती बल्कि पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है बर्फ पर ढके हुए पहाड़ है ठीक है तो 600 किलोमीटर हाँ जी 600 किलोमीटर 900 है अभी चेक कर लेते हैं
हाँ जी नहीं, वो कराकर तो पाकिस्तान में भी हमारे, मैं बाउंड्री लाइन की बात करूँ सरहद की, है ना डर पाकिस्तान और चाइना की जो बच्चे मैं ना देख रहा हूँ, मुझे अभी एक सर थे मेरे पास ही, उन्होंने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया है कि 900 किलोमीटर तवील सरहद है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी ना नेट से साथ में सर्च कर रहा हूँ कि मुझे नेट से शायद कोई मवाद मिल जाए बुक्स में। मेरे पास जो है ना, मैंने तो कोशिश जो की है, जो मुझे चीज़ें मिली हैं, एक और बुक में मैंने देख रहा हूँ उसमें भी अगर मिल जाए साथ। फलस्तीन आ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान आ गया, चले जो भी है ठीक है। मैं इसकी तस्दीक करके आपको मैं इंशाल्लाह ये भी शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान के दोनों तरफ हम बात करें, सरहदों का तय्यून किया गया 1961 में दोनों के दरमियान कोशिश की, 1963 में ये काम पाया तकमील को पहुंचा 1963 में, ठीक है। 1961 से 1963 सरहदों का तय्यून में आप ये लिखेंगे, फिर पाक चीन रवाबत, तीसरी हेडिंग आप देंगे पाक चीन रवाबत, पाक चीन पाकिस्तान चीन के रवाबत, पहला था पाकिस्तान चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, दूसरे सरहदों का तय्यून, और तीसरा अब है पाकिस्तान और चीन के रवाबत क्या क्या है। ये हेडिंग देंगे रवाबत की, रबते जो हैं। फरवरी 1964 में सदर पाकिस्तान ने चीन का तारीखी दौरा किया, जिसमें चीन ने कश्मीर के पुरअमन तस्फिया के लिए पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मौकफ़ की हमायत की। पाकिस्तान का मौकफ़ यही था कि भारत जो है उस पर काबज़ है, नाजायज़ काबज़ है, वो मुसलमान है, वो इस्लामी रियासत है, वो उसको आज़ाद होना चाहिए इसके भारत के, भारत की गवर्नमेंट जो है, भारत की जो फौज है, उन पर जुल्म शतम जारी किए रखे हुए हैं हमेशा से, उनको आज़ाद करवाया जाए, उनको उनको आज़ादी का हक दिया जाए। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जो चीन ने बाकायदा तौर पर इसको मौक़िफ़ की हमायत की, तस्लीम किया। पहली दफ़ा जब पाकिस्तान का सदर 1964 में सदर पाकिस्तान चीन के दौरे पर, सरकारी दौर पर गए थे, और फिर 1965 की पाक भारत जंग में भी चीन ने पाकिस्तान हमायत का ऐलान किया और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए असलाह फराहम किया। 1965 की जंग में चीन ने पाकिस्तान को असलाह भी फराहम किया था। ये रबते रहे हैं 64 में पहला पाकिस्तानी सरकारी दौरा सदर की तरफ से चीन में किया गया, और उस दौरे में सदर पाकिस्तान ने चीन के हक में दो नारा वहाँ पे लगाया, जो सिफारिशात वहाँ पे पेश की, तो उन्होंने इस पाकिस्तान के मौकफ की हमायत की। और फिर 1965 की पाक भारत जंग में भी चीन ने
हालांकि पाकिस्तान के अलावा चीन के की भारत के साथ भी एक तवील सरहद मौजूद है, भारत पे भी। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा भारतीय फौजियों की चीनी फौजियों से वो हुई, झड़प हुई है, वो काफी मारा है चीनी फौजियों ने भारतीयों को, भारतीय फौजियों को। उनके साथ भी एक तवील सरहद मौजूद है, लेकिन चीन ने साथ दिया किसका, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मौकफ की हमायत की, पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को इस जंग में असला भी फराहम किया, इसके दिफा के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए असला भी फराहम किया चीन ने 1965 के जंग में। मजीद अगली हेडिंग आप ये देंगे, पाकिस्तान की सनअती तरक्की और चीन। अब आगे जी दिफा के बाद अब सनत की बात है, सनत के हवाले से पाकिस्तान की सनअती तरक्की और चीन। चीन ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ सनअतों के क्याम के लिए फनी और माली इमदाद मुहैया की। चीन ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ सनअतों के क्याम के लिए फनी और माली इमदाद मुहैया की। जिसकी नुमाया मिसाल टेक्सिला में भारी मशीनी कम्प्लेक्स, टेक्सिला में एक मशीनी कम्प्लेक्स है, इसकी एक मिसाल है पहले दौर की शुरू में। और इसके ज़ेली मंसूबे लांडी में मशीन टूल फैक्ट्री का क्याम और इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का क्याम शामिल है। और मज़ीद अब आप इसको ऑरेंज लाइन ट्रेन भी लिख सकते हैं इसके अंदर, पाकिस्तान की सनअती तरक्की और चीन। बल्कि सनअती तरक्की में ना इसका आप एक एडिशनल आप ये कर लें, सनअती तरक्की में अभी आप सिर्फ यही चीज़ें लिखें, मैं एक और पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं। अभी आप देखें ना कितने अभी रिसेंटली मुगलपुरा में, हमारे कॉलेज के करीब ही मुगलपुरा में आप देखें ना, मुगलपुरा से हम इधर जाएं ठोकर वाली साइड पे नहर की तरफ पे, तो साथ ही मुगलपुरा के साथ ही एक अंडरपास है बीजिंग अंडरपास के नाम से, ये भी चाइना के इश्तराक से बनाया गया, तामीराती कामों में मदद की लिख लें आप इसका, या तरक्याती मनसूबों में आप लिख लें, तरक्याती मनसूबों, पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों में तरक्याती मनसूबे ही लिख लें। मैं एक पॉइंट सोच रहा हूँ, पाक चाइना तरक्याती मनसूबा जात, पाक चाइना तरक्याती मनसूबा जात, ये बेहतर होगा। ठीक, मैं भी लिख देता हूँ, पाक चाइना तरक्याती मनसूबा जात। अली कल भी हुआ था, नहीं नहीं अभी अंदर क्या हो रहा पता है, ये वो बच्चे सरगत गवादर पोर्ट भी तमीराती में आएगा। गवादर पोर्ट में हम तमीराती में ना करें, हम इसका एक और पॉइंट बनाते हैं, तमाम तलबा तालिबात सोचें अभी इस बारे में। गवादर वाला जो काम है ना, इसको हम क्या करें, इसको हम कहिए तजारती तौर पर इस्तेमाल होता है ना, तो हम इसको कहेंगे गवादर पोर्ट का क्या करें अदीना, कोई पॉइंट इसके बारे में सोचें, या तो हम इसको गवादर ही लिख दें, गवादर मंसूबा और चीन, गवादर मंसूबा और चीन। गवादर के वाले से निमरा आपने लिखा है,
अगर हम ये कि इसको हम गवादर का ही नाम दें, गवादर मनसूबा और चीन, पाक चाइना तामीराती काम में ना मनसूबा जात में हम ये लिख सकते हैं पाक चाइना तरक्याती मनसूबा जात। पहले हम उस पर बात कर लें फिर बाकी उस पर भी आते हैं अगले पॉइंट की तरफ भी। पाक चाइना तरक्याती मनसूबा जात में हम ये बीजिंग अंडर पास भी लिख सकते हैं, अंडर पास। इसके अलावा ये एक रोड बना दिया गया था ग्वादर तक, जो रोड बना दिया गया है चाइना से ग्वादर तक का जो रोड बनाया गया है वो भी आप इसमें लिखिए। ये तमीराती काम में आ जाएगा सारा। सनती तरक्की में हमने कर लिया मशीनी टेक्सला में, टेक्सला में इस वक्त हमारी मशीनरी जो मशीनी कॉम्प्लेक्स है ना वो टेक्सला में है, हथियारों की भी वहाँ पे होती है पैदावार, क्या कहते हैं बनते हैं हथियार हमारे असलहा जात की भी टेक्सला में है, और बहुत सारा मशीनी काम जो है ना वो टेक्सला में होता है। लांडी कराची से पहले एक साले समुद्र के करीब ही ये एक इलाका लगता है लांडी, बाई ट्रेन अगर कराची जाए तो उससे कराची से पहले एक स्टेशन आता है लांडी, मलीर आता है लांडी आता है, तो वो इलाका भी उसमें भी वो भी मशीनरी इलाका है, सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का इलाका है। टेक्सला भी है, लांडी भी है, और इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के नाम से ये तरक्याती काम सनती तरक्की वाले काम किए, स्पोर्ट्स भी एक सनत है, और इसी तरह से सनती तरक्की में ये तीन चीज़ें हम लिख लेंगे। तामीराती काम में मैंने आपको बता दिया वो लिख ले, और ग्वादर का हम अलहदा से हेडिंग जो दे दिया ना मनसूबा ग्वादर और चीन, ये भी हेडिंग है इसमें, आप उसमें एक दो लाइनें लिखते ग्वादर के वाले से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जदीद जो ना ग्वादर की बड़ी अहमियत है, इससे काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो इसके इस यहाँ से चाइना से ग्वादर के ज़रिए से पूरी दुनिया में जो है वो खरीद फरोख्त बहुत सारे ममालिक के लिए आसान हो चुकी है ग्वादर की वजह से, और चाइना इसमें बहुत ज़्यादा इसको कामयाब बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उसके लिए उसमें तमीराती काम में फिर आ जाएगा, सड़कों की तमीर भी की गई है तवील कई सौ किलोमीटर पर मुश्तमिल, अगला अगली एक हेडिंग आप इसमें ये लिखें मवासलात, मवासलात मवासलात और चीन की मदद, मवासलात और चीन की मदद। 1969 में चीन और पाकिस्तान के दरमियान शाहराह कराकरम की तामीर का आगाज हुआ, 1969 में आगाज हुआ था शाहराह कराकरम की तामीर का। शाहराह कराकरम कब बनी थी, 1969 में आगाज किया गया इसका, ये शाहराह कराकरम 1980 में मुकम्मल हुई, 1969 से लेकर 1980 में 11 साल में ये शाहराह मुकम्मल हुई, जिसके ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबत कायम हुए और कई वफूद का तबादला हुआ, इसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रबता भी कायम किया गया। मवासलात ताल्लुकात इनके ज़मीनी जो है शाहराह कराकरम की बदौलत हुए, जो 1969 से लेकर 1980 तक तमीर हुई, 11 सालों में तमीर हुई। और दूसरा जो मवासलाती निज़ाम था ताल्लुकात जो चीन के और पाकिस्तान के थे, फिजाई रबता भी हुआ। एयरपोर्ट
नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई आंसर नहीं आ रहा। सनती तरक्की की हमने बात की थी अक्सा नजीर निमरा साहिबा, सनती तरक्की में टेक्सला में भारी मशीनी कम्प्लेक्स, लांडही में बी इंडस्ट्रीज का क्याम हुआ, मशीन टूल फैक्ट्रीज बनाई गई, और इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, जिंदा रहे, सलामत रहे मरियम शजर। पाक चाइना दोस्ती, सरहदों का तयन 1961 में कोशिश शुरू की और गई और 1963 के पाया तकमील तक पहुंची। शाबाश। तीन पाक चाइना रवाबत, सदर पाकिस्तान ने 1964 चाइना का दौरा किया और सही लिखा है मरियम, जिंदा बात, क्या बात है, सलामत रहें, खुश रहें। आप तमाम को रहनुमाई करती हैं, तमाम की रहनुमाई करती हैं, इलम मुहैया करती हैं, आपको अल्लाह ताला की तरफ से इसका अजर अजीम मिले। वो जो सोए रहते हैं अल्लाह तबारक ताला उनको भी हदायत नसीब करे। मुताले पाकिस्तान, दरअसल बच्चों बात ये है, थोड़ा सा खुश सब्जियात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सुनना ही नहीं चाहते, मजबूरी में हम सुनते, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसका ताल्लुक ना तो ऐसे कोई मोटिवेशनों को बात होती है, ये काम जो हो चुके हुए हैं तबीयत बेजार हो जाती है, कभी किया था सदर चला गया तो इसमें अब हम क्या करें, ताल्लुकात कायम कर लिए तो वज़रा की थी ना, अब हम गरीब आवाम को क्या हासिल हुआ इसमें से, हमें किन नफरों का सवाब मिला है। तो हम जब ये बातें सोचते हैं, फिर दूसरी बात एक हम एक और सोचते हैं कि ये तो वही बातें जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब मजीद इसमें हम वही बातें बार बार करें, तो हमने कुछ इस अंदाज से पढ़े था, अब सारी इस अंदाज में बात करें तो हमें वो पिछला भी बोल जाना, तो बेहतर है सुनो ही ना, बात ही ना करो, लेक्चर अटेंडेंस लगाओ, गैप पीछे हो जाओ। हाँ जी, लेकिन इलम आपको कहीं ना कहीं फायदा देता है, आप चार बंदों में मजलिस में जब बैठे हो, पाक चाइना के ताल्लुकात की बात हो रही हो तो कम से कम आपको बुनियादी बातें तो पता हो ना कि कब से ताल्लुकात हैं, पहला सदर पाकिस्तान का सियासी दौरे पर कब गया चाइना में, क्या क्या किस तरह के रवाबत इनके दरमियान है, ठीक है ये अमली जिंदगी में फायदा नहीं देती है आपको, लेकिन कम अज कम कहीं कोई आप मतलब आप एक माशरे में रहते हैं, एक आपको मजलिस में बैठना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपको कहीं पे किसी बात पे नदामत नहीं होती, बल्कि आप किसी के दरमियान इस तरह के अगर जब बातें करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है कि आप एक मुखलस पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान की ये चीज़ों का भी पता है, इन ताल्लुकात का भी पता है। हम सब कुछ अपने लिए ही ना किया करें, पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर लिया करें, इस्लाम के लिए भी कुछ किया करें, तो ही इसमें अजमत है। साथ साथ खाना खाते जाएं और साथ साथ पढ़ते जाएं, अच्छी बात है। ब्रेड एग और साथ जैम लगा हुआ बीच में, नींद भी आती जाएगी, नींद भी नहीं आएगी तो तवज्जो भी रहेगी। मुवासलात और चीन की मदद हमने कर ली, मुवासलात में शाहरा से के जरिए से, शराय काक्रम के जमीनी जरिए से भी, फजाई जरिए से भी रवाबत चाइना और पाकिस्तान के बरकरार रहे हैं। जो शाहरा काक्रम 1969 से लेकर 1980 तक बनाई गई, तामीर की गई। अब हम अगला पॉइंट करने लगे हैं, दिफाए पाकिस्तान और चीन। लिख दूं? लिख दे भैया।
दिवाए पाकिस्तान और चीन। दिफा पाकिस्तान और चीन निकाल के सकता है। आवाज आ रही है आपको? चले शुक्र है आवाज के लिए। मतलब बोलते हो नहीं, आपको रिस्पॉन्स नहीं करे। हीरा जफर साहिबा सो रहे मुझे लगता है। आप आंसर करते रहते हैं तो मेरी भी अंदर एनर्जी रही, मुझे पता रहता है कि सुन भी रहा है मुझे। कुछ तो बोल दिया करें, फिर मुझे कहना पड़ता है क्या? भला क्या कहना पड़ता है मुझे फिर? फिर आप, मैं जब कहता हूं तो फिर आप स्टेटस लगाने शुरू कर देते हैं। अभी तक आपने मुझे सेंड ही नहीं किया वो स्टेटस। जी दिफा पाकिस्तान और चीन की बात हम नेक्स्ट पॉइंट करने लगे हैं। जाग तो रहे हैं लेकिन मुझे भी तो जगाएं, मुझे भी तो हौसला दें। वाकई आप जाग रहे हैं। दिफा पाकिस्तान और चीन, अच्छा अच्छा सारे लिख रहे होते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। सारे सलामत रहें। अगर इतनी तवज्जो के साथ मेरा सब इतनी तवज्जो से इतनी लगन के साथ पढ़ते हैं तो दबा के मुस्तैक हैं ये। फिर दुआ करने की, दुआ कराने के मुस्तैक हैं। दिफा पाकिस्तान और चीन, देखो मैं आपको सामने तो यहाँ पे देख नहीं रहा आपको, वहाँ पे जब फिजिकल क्लास होती है फिर देख रहा होता हूँ हर एक चेहरे तासरात देख सकता हूँ। यहाँ पे नहीं देख सकता ना, फिर वो जो माइंड है ना मूड नहीं बनता वो सही तरीके से। जी हीरा जफर सही लिखा है आपने, शुक्रिया आपका। अच्छा अब दिफा पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुक है, दिफाई मैदान में भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान माहदे हो चुके हैं। दिफाई ताल्लुक इतने मजबूत हैं चीन के साथ पाकिस्तान के। 1985 में माहदे किए गए दिफा के, दिफा में दिफाई मामलात में चीन के साथ ताल्लुकात और माहदे हुए 1985 में, जिनके तहत चीन ने कामरा कम्प्लेक्स और पाकिस्तान वाह आर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की। कामरा कम्प्लेक्स जहाँ पे असला बनता है और वाह कैंट भी, वाह में भी असला साजी सारा असला तैयार होता है, दिफाई जितने हथियार है वहाँ पे बनते हैं। कामरा कम्प्लेक्स और वाह वाह वाओ अलिफ हा फैक्ट्रीज में की तामीर में, इनको फैक्ट्रियों को बनाने की तामीर में, ये पाकिस्तान को उधर से पाकिस्तान जब आजाद तब तो नहीं, ये तो बाद में बनाई गई ना ये वाली इंडस्ट्री असला साजी की, तो इनकी तामीर में भी पाकिस्तान की मदद की। किसने? 1985 के जो माहदा हुआ था दिफाई माहदा पर चीन ने, माहदे की बुनियाद पर 1985 के माहदे की बुनियाद पर कामरा कम्प्लेक्स और वाह आर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की। इसी तरह सूबा सरहद में हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए भी माली मामनत की चाइना ने पाकिस्तान की। सरहद में हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स जी हीरा जफर सही लिखा है आपने। अब हम कितने पॉइंट्स हो चुके हैं अभी तक, वो मुझे बताएगा हमने कितने पॉइंट्स कर लिए हैं?
कितने पॉइंट्स कर लिए हैं? ओए बोलो तो सही, 8 पॉइंट्स। मरियम शजर आपका शुक्रिया। लास्ट 9th सरहद में भी, सूबा सरहद में पाकिस्तान में भी चीन ने हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तमीर के लिए माली मामलत की। सब मुत्तफिक हैं इस बात पे कि हमने 8 पॉइंट कर लिए हैं, माशाल्लाह। 8 के 8 आपको आते हैं, समझ आ गई 8 पॉइंटों की? आठ के आठ पॉइंटों की समझ आ गई है? चलो फिर, नहीं भी समझ आई तो नौवां लिखो। नौवां पॉइंट है डिफाई पाकिस्तान और चीन का हमने कर लिया है। हाँ, 8 ही पॉइंट है। अगला पॉइंट आप लिखिए, पाकिस्तान और चीन के सफारती तालुकात। हीरा जफर, पाकिस्तान और चीन के सफारती तालुकात। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा। हीरा जफर, पाकिस्तान और चीन के सिफारती तालुकात। पाकिस्तान और चीन के सिफारती तालुकात। सना कवर, पाकिस्तान चीन के सिफारती तालुकात। पाकिस्तान, अच्छा जी ये बात है। अच्छा जी, सना कमल भी बीच में कूद पड़ी है इस मुकाबलाबाजी में। सना कमल आपको खुश आमदीद। मैं कुछ आज एक ऐसे एंगल पे बैठा हूँ, मेरे लिए मैंने कुछ अल्फाज गलत किए थे, उनको दोबारा तस्हीह करते हुए मुझे वक्त लगा इसको टाइप करने में। मेरा एंगल जो आज वो टाइपिंग वाला सही नहीं है जिस एंगल पे मैं बैठा हुआ हूँ आज, इसलिए मैं पीछे रह गया हूँ। अभी भी देखें ना कि मेरी गलती एक भी बीच में रह गई है। मैं लिख के दोबारा पढ़ता हूँ तो फिर सेंड करता हूँ आपको। पाकिस्तान और चीन के सफारती तालुकात। पे बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझसे टाइप हो गया। तालुकात भी मुझसे गलत लिखा गया था, फिर मैंने दोबारा सही किया, इतनी देर में आपने सेंड भी कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, सना कंवल आपको भी वेलकम। देखते हैं आगे आगे होता क्या। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर चीन का साथ दिया, हमेशा सफारती सफारती तालुका वफूद आते रहे। चीन को अक्वामे मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान ने चीन की हमायत की है। यूएनओ का मेंबर चीन को बनाने के लिए पाकिस्तान ने हमायत की है, चीन की कोशिशें की हैं। अच्छा, अब आपको एक बात बताता चलो, चीन में जो मुसलमान है तो कम तादाद में, आबादी के लिहाज से तनासब कम है मुसलमानों का। चीन से जो लोग हज करने के लिए, आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, 8-10 साल पीछे, चीन से जो लोग हज करने के लिए जाते थे सऊदी अरब, तो वो रास्ता ये पाकिस्तान वाला ही अपनाते थे। वो चाइना के लोग सबसे पहले लाहौर आते थे इधर पाकिस्तान में, लाहौर में जो आपने स्टेशन के करीब ही वो जगह है हुजाजे कराम के नाम से मशहूर है, यहाँ पे वो स्टे करते थे। यहाँ से इनका पाकिस्तान का हज का वीज़ा पाकिस्तान इनको देता था सऊदी अरब जाने के लिए। चाइना से डायरेक्ट इनको वीज़ा नहीं लगता था हज का सऊदी अरब के लिए। पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान से के मेहमान से की सूरत में यहाँ से वीज़ा लगा कर ये जाते थे आगे सऊदी अरब हज के लिए, मुसलमान है चाइना के। तो पाकिस्तान और चीन के सफारती तालुकात तो शुरू से ही कायम रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद से। चीन को अक्वामे मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान ने, यूएनओ को भी मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान ने ही चीन की हमायत की। अमेरिका और चीन को एक दूसरे के करीब लाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान ने, इसको ये भी पता है कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका
स्टेट जो है जो ऐसे है वो सुप्रीम पावर है, और इधर से इसको भी सुप्रीम पावर की तरफ तरक्की इसकी भी जारी है। तो इन दोनों के बजाय के दोनों सुप्रीम पावर्स आपस में जो कशीदगी पैदा करें, इख्तलाफात पैदा करें, जंग का समा हो, तो पाकिस्तान ने एक सारसी किरदार भी अदा किया है दोनों बड़ी पावर्स का आपस में दोस्ती का रिश्ता कायम करने के लिए, एक दूसरे को, अमेरिका और चीन को एक दूसरे के करीब लाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त रابطہ कायम हुआ है। चलें जी, 9 पॉइंट हो गए हैं। आखिरी पॉइंट है सियासतदानों और वफूद के तबादले। दोबारा बता रहा हूँ, सियासतदानों और वफूद के तबादले। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, सियासतदानों और वफूद के तबादले, सियासतदानों और वफूद के तबादले। सियासतदानों और वफूद के तबादले, उसमें क्या है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद भी रखी गई है, जिसके तहत चीन के वज़ीर आज़म ने 1987 में पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान के सदर ने कब दौरा किया था चीन का, कोई बताएगा मुझे? सना कंवल तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान के सदर ने चीन का कब दौरा किया था सरकारी? सना कंवल जिंदाबाद, शुक्रिया हजरत जफर आपका भी। और जब और चीन के वजीर आजम ने सरकारी दौरा कब किया पाकिस्तान का? 1987 में चीन के वजीर आजम ने 1987 में पाकिस्तान का दौरा किया। 1987 में चीन के वजीर दिफा फरवरी 1999 में और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अप्रैल 1999 में पाकिस्तान का दौरा किया। सियासतदानों और वफूद के तबादले की बात हो रही है, चीन के वजीर आजम ने 1987 में पाकिस्तान का दौरा किया, वजीर दिफा ने 1999 में पाकिस्तान का दौरा किया, वजीर आजम ने 1987 में, वजीर दिफा चीन के ने 1999 में। फिर इसी तरह वजीर आजम ने दूसरा दौरा, एक और वजीर आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया 2001 में, और फिर पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ भी चीन चाइना गए थे, आपको याद होगा, सुना होगा। उस वक्त अभी आप 9 मौलूद होंगे, चंद एक दो साल के बच्चे होंगे उस वक्त आप, 2001-2002 में चीन का दौरा किया गया, मुशर्रफ ने किया था, एक में भी और दो में भी किया था। एक में 2001 में वजीर आजम चाइना का आया था यहाँ पे, और 2001 और दो में जनरल परवेज मुशर्रफ चाइना गए थे। इन बामी दौरों से चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरे करीबी ताल्लुकात कायम हुए। सियासतदानों और वफूद के तबादले, हमारी ये बात यहाँ पे ख़त्म होगी। आखिरी बात हम करने लगे हैं इस हवाले से, और वो ये है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मुस्तकबिल। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मुस्तकबिल, लिखिए, मैं भी लिखने लगा हूँ, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मुस्तकबिल, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मुस्तकबिल। शाबाश शिराज जफर, जिंदा रहें, सलामत रहें, खुशियां पाएं सारी ज़िंदगी, हमेशा भलाई आपका साथ, आपका मुकद्दर रहे। बहुत अच्छा लिखा है आपने, अगर आप इन
को आप खुद भी और बाकी भी इसको अगर ज़हन नशीन कर लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मुस्तकबिल, अब क्या है ये आखिरी पॉइंट है हमारा, मुस्तकबिल अब क्या है, क्या नजर आता हमें इसके साथ दोस्ती रखने में, क्या मुस्तकबिल नजर आएगा? पाक चीन ताल्लुकात जिनका आगाज 1964 में अयूब दौर में हुआ, सदर अयूब का जो वहां पे पहला सियासी दौरा उसके बाद हुआ, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दी जाती है हिमालया पहाड़ों की तरफ बुलंद और लाजवाब दोस्ती है, हिमालया से मिसाल दी जाती है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, पाकिस्तान चीन की दोस्ती की मिसाल हिमालया से दी जाती है कि बुलंद और बाला पहाड़ी सिलसिले हैं, लाजवाब उनको कोई जेर नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल, सी पैक मनसूबा वही ग्वादर वाला ही है। ये वाला सी पैक नहीं है, मैं आपके अल्फाज थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूं, वो है सी पैक चाइना पाक से है, वो सी है, कैपिटल सी एस डबल ई वाला सी नहीं है, कैपिटल सी और आगे पैक नहीं है, पी ए के पाक, सी स्टैंड फॉर चाइना और पाक स्टैंड फॉर पाकिस्तान, सी पैक मंसूबा, वो भी तरक्की का मंसूबा है, बिल्कुल सही लिखा आपने। और इनकी मिसाल जो है ना वो चीन दोस्ती की, पाकिस्तान चीन दोस्ती की हिमालया की तरह दी जाती है कि बुलंद और लाजवाब पाकिस्तान की सनती तरक्की हो और यहाँ पाकिस्तान की दिफाई तरक्की में चीन का हमेशा अहम किरदार रहा है, सनती तरक्की में भी और दिफाई तरक्की में भी चीन का बड़ा अहम किरदार रहा है। और तमीराती तरक्की में भी आप देख लें शाहर रेशम जैसी शाहर कराक्रम की तमीर की, तो इन तमाम सूरत हाल पर जब हम गौर फिक्र करते तो यही महसूस होता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इतिहादी दोस्त मोहसिन रहा है, जंग की सूरत में भी पाकिस्तान को मदद फराहम की करता रहा है, अंदर ना जाए मेरा ख्याल मना किया गया है अंदर जाने से, बंद है। तो इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर सबसे बड़ा इत्तेहादी, अच्छा जी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 70% से ज्यादा मंसूबे 70% से 70% से ज्यादा मंसूबे चीन की फनी माली और अफरादी मामलत के 22 पाया तक में तक पहुंचने वाले हैं, 70% से ज्यादा जो मंसूबे पाकिस्तान के वो चीन की फनी मामनत, माली मामनत, अफरादी मामनत तीनों तरह की, टेक्निकल भी, अफरादी कुवत से भी जो चाइना से लोग आए और पैसों से भी, माली तौर पर भी उनकी मामनत से पाकिस्तान में पाया तकमील तक पहुंचे, 70% पाकिस्तान में मंसूबा जा जितने भी मंसूबे हैं तरक्याती मंसूबे। इस तरह अकवाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर होने की हैसियत से चीन ऐसी आलमी ताकत है जो है और G.8 का मेंबर मुल्क होने के हवाले से पाकिस्तान को मदद हर फॉर्म पर फराहम करता है, मौजूदा आलमी हालात के तनाज़ुर में चीन का किरदार अब भी वाज़ेह है, मुस्तकबिल में चीन का किरदार लाजवाब होगा और पाकिस्तान इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र चीन का इतहाई अहम दोस्त रहेगा। दोनों बातें हैं, आप दोनों आप लिख सकते हैं। उनको बैठाने के लिए भी अली बात सुन अली कहा
अच्छा जी, मुस्तकबिल में भी चीन का किरदार लाजवाल होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इलाके की सूरत हाल के पेश नज़र चीन का इंतहाई अहम दोस्त रहेगा। पाकिस्तान पाक चाइना जिंदाबाद। अच्छा जी, सी पैक की एक मैं कहानी आपको ले ले चाहिए तो अभी पाकिस्तान चाइना कि मैं एक बात सी पैक की अभी बात की ना इन्होंने हीरा साहिबा ने की थी, किसने की थी सी पैक, हीरा जफर ने की थी सी पैक की बात। ये सी मैंने आपको बताया कैपिटल है, पहले ये था मंसूबा, पाकिस्तान ने इसको नाम दिया था क्योंकि पाकिस्तान में मंसूबा चल रहा था, ये इसको पहले नाम दिया गया था पाक चाइना मंसूबा, तरक्याती मंसूबा है। तो लेकिन चाइना ने कहा कि पैसा हम लगा रहे हैं, अफरादी कुवत हम दे रहे हैं, फनी कुवत भी हम दे रहे हैं, इनको मामलत हम कर रहे हैं, तो नाम पहले पाकिस्तान का पाक चाइना, ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि इसका नाम तब्दील करो, पहले चाइना का नाम आए फिर पाकिस्तान का नाम आए, तो इसलिए इसको फिर सी पैक नाम दे दिया गया इस मनसूबा को। जी सी पैक अब बना है, पहले ये था पाक चाइना मनसूबा था, यही न्यूज में भी आता रहा है, कॉलम में भी यही था, और मतलब हम जो अगर हमको मंसूबों में इस पे कहीं लिखा होता था, कहीं कोई बात लिखी होती तो यही बोला जाता था, यही लिखा जाता था, यही पढ़ा जाता था पाक चाइना मंसूबा। तो फिर चाइना ने इस बात पे एतराज किया कि भाई ये सारे पैसे हम लगा रहे, फनी को हम दे रहे हैं, मशक्कत हम कर रहे, चाहे पाकिस्तान में ही मनसूबा लग रहा है लेकिन नाम पहले हमारा आना चाहिए। तो इसको फिर चाइना पाक यानी कि सी पैक मुख्तसर तौर पर नाम दे दिया गया सी पैक मंसूबा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कुछ तो। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 10 से ऊपर हो गए, मेरे ख्याल 11 पॉइंट हो गए हैं। जी ये तो अदीना साहब सोचने समझने की बात है, अपने अपने ज़र्फ की बात है। मुझे मैंने जो बात कहीं पे मतलब सुनी है पढ़ी है कलम उस दौर में जब ये बात इस तरह की हुई पाक चाइना से सी पैक मंसूबा जब आया तो मशहूर और मारूफ हो गया इसी बात पे। तो ये तो फिर उस वक्त उनको चाहिए था इस तरह से, ज़ाहिर वो इमदाद कर रहे हैं पाकिस्तान की और इसमें ला महला ज़ाहिर है चाइना को तो फ़ायदा होना सो होना है, पाकिस्तान का भी बहुत, पाकिस्तान की जो रियासत है जिस जगह पर पाकिस्तान मौजूद है, इस ज़मीन की कदर और कीमत जो है ना पूरी पूरी दुनिया में ये बड़ी ऊपर चली जाएगी ग्वादर की वजह से। पाकिस्तान को जो मईशियत में सनत में फ़ायदा होने वाला है कभी तो इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासेस अभी उम्मीद है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊँगा कि इस सी पैक से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पाकिस्तान को भी फायदा है, इसलिए पाकिस्तान ने फिर कहा कि जैसे चाइना कह रहा है पाकिस्तान के पास मईशत, पाकिस्तान तो कर्जों में इतना ज़रा वो फंसा हुआ है, मुल्की के बैंकों के जो कर्जा जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर,
तो चीन है, ज़ाहिर है चीन से जो इस तरह से चीन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को माली फ़ायदा भी दे रहा है, आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो पाकिस्तान के लिए खुद से ये गवादर का सारा निज़ाम ये काम कर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितनी सनत है वो तो ऑलरेडी कराची पोर्ट से भी आगे जा रहे हैं ना सामान सारा, इतनी ज़्यादा तो है नहीं पाकिस्तान के पास चीज़ें के जो जिसके लिए उसको एक और पोर्ट की ज़रूरत हो। गवादर पोर्ट पे को फ़ायदा से फ़ायदा जो है ना ये चाइना को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को ही हो रहा है इससे, और इससे जो है इसकी सुप्रीम पावर बनने में ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी गवादर पोर्ट। जो कभी इंशाल्लाह ताला कभी फिजिकल क्लास में आपको इसमें सारी आपको काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि इसकी कितनी अहमियत है। तो पाकिस्तान को बिला माला फिर मजबूरी कह लें या खुशी भी कह लें, जिस तरह से भी उसको मानना पड़ा कि पाक चाइना नहीं, सी पैक ही सही, कोई बात नहीं। देखिए ना एक दफ़ा की बात है, चाइना और जापान की आपस में बहुत ज़्यादा जब क्रश होती है इनकी आपस में, जैसे पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात इससे ज़्यादा शदीद किस्म के ताल्लुकात होते हैं और रहे हैं पाकिस्तान चीन के और जापान के, इनकी आपस में भी कशीदगी इंतहा दर्जे की कशीदगी रही है एक वक्त में। तो लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ है अपनी खुददारी पर, अपनी खुददारी की बुनियाद पर, तो जापान बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे जापान बहुत पीछे रह गया, चाइना बहुत आगे निकल के तरक्की कर गया खुददारी में, इसके अंदर इसके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होनी शुरू होगी चाइना की। तो जापान को भी अब ज़रूरत थी चीन का, वो इस बात पे उसको ज़रूरत थी चीन से भी सामान लेने की। अब कशीदगी थी, जैसे आज अगर पाकिस्तान को या भारत में दोनों में से किसी एक को एक दूसरे मुल्क की बहुत अच्छा ज़रूरत पड़ती किसी चीज़ की, एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको अच्छा ज़रूरत है तो वो अब जाहिर है घुटने अपने टेकेगा उसके आगे। जापान ने घुटने टेके चीन के आगे कि मुझे भी मुझे ये चीज़ें जो है ना वो इंपोर्ट करनी है आपसे। तो चाइना ने चीन ने तहरीरें लिखी, लंबी लंबी मंजूमों लिखे जिसमें गाली गलौज दी जापानियों को, इसकी कौम को गंदा कहा, बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने कहा आप सब ठीक है, आपकी बात सारी ठीक है, ओके आप जो कह रहे हैं इट्स ओके फाइन वी आर, हम ऐसे ही हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आप हमारी ये इमदाद कर दें, हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है आपसे, हमें वो हमें आप दें। निमरा महीन चीन का वजूद था पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि अवामी जमहूरियत चीन की बुनियाद 1949 में रखी गई, जगह वही थी, ज़मीन वही थी, इलाका वो चीन ही था सारा, जो अरसा से चीन ही कहलाता आ रहा है, सदियों से चीन कहलाता आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो निज़ाम हुकूमत चेंज हुआ है ना, तर्ज हुकूमत चेंज हुआ, जो पहले कुछ था अब कुछ हुआ था, अब वो जो अवामी जमहूरियत चीन बन गया था। आपको मिसाल कैसे दूं मैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब की मिसाल ही लेने शायद आपको बात समझ आ जाए। सऊदी अरब की मिसाल लेने, सऊदीया में पहले किसकी हुकूमत थी है? तो ये देखो आवाज आ गई है, सुनना नहीं है, गैर जरूरी बातें नहीं सुननी। अब वहाँ पे कौन है, हम ये अब सऊदी अरब की आप तारीख पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ये जंग आज़ादी जो पहली जंग अजीम हुई थी, जंग आज़ादी नहीं जंग अजीम, जो पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी उसके बाद इन्होंने मुआहदा किया सऊदी गवर्नमेंट ने तुर्की हुक्मरानों के साथ, सल्तनत उस्मानिया के साथ इनसे ले लिए गए 99 ईयर्स की लीज पर, ये इलाके उन्होंने उनसे ले लिए। तो अब सऊदी अरब की जो तारीख लिखी जाएगी वो 1923 से पहले की नहीं लिखी जाएगी, उसके बाद की लिखी जाएगी कि ये सऊदी है, तब वो आले सऊद थी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया से खलीफा से उन्होंने इजाज़त ली थी कि अब हम यहाँ पे अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे, माहदा किया था, कमज़ोर हो गई थी सल्तनत उस्मानिया, समझ आ रही बात। तो सऊदी अरब की तारीख जो है ना वो बस वहाँ तक ही मौजूद, इलाका तो वही है, ज़मीन वही है, तर्ज हुकूमत वहाँ पे बदल गया, आले सऊद आए वो सऊदी अरब कहलाना शुरू हो गया, पहले वो हिजाज़ मुकद्दस कहलाता था इलाका, क्या कहलाता था, हिजाज़ मुकद्दस,
नाम से अभी भी हिजाज मुकद्दस की किताबों में लिखा जाता है, हिजाज मुकद्दस कहा जाता है, अरब कहा जाता है, लेकिन सऊदी अरब से मतलब आले सऊद ने वहाँ पे गवर्नमेंट तब से संभाली हुई है, उन्हीं की औलाद से औलाद दर औलाद जो है ना वो उनके खलीफा या जो भी है वो शहन बादशाह वो बनते आ रहे हैं। तो अब उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, चाइना से मेरी मुराद चाइना का वजूद होना नहीं था, बल्कि चाइना के अंदर नई जो तर्ज हुकूमत कायम हुई 1949 में, जिसने असर डाला पूरे उनकी रियासत के अंदर, ठीक है, तर्ज हुकूमत उनकी बदली, अवामी जमहूरिया चीन का नाम पड़ा उस चीन रियासत का, चीनी रियासत का। आई समझ? ओए बोलो तो सही। हाँ शुक्र है नहीं मेरा, इतना बोलने के बाद एक जवाब एक आंसर, एक इसी आंसर का मैं इंतजार कर रहा होता हूँ, एक लफ्ज का, वो भी आप को लिखना जो ना वो पहाड़ नजर आता है मुझे लगता है। सियासतदानों और वफूद के तबादले, ये हमने कर लिया, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मुस्तकबिल भी हमने कर लिया, मुस्तकबिल में भी ताल्लुकात चीन के साथ लाजवाल होगा और पाकिस्तान इलाकाई सूरत हाल पेश नज़र जो हमें नज़र आ रही है, चीन का इंतहाई पाकिस्तान का इंतहाई अहम दोस्त रहेगा चीन पाकिस्तान का आने वाले दौर में, मुस्तकबिल हमें ये है, किसी इसको बाद में तस्लीम किया गया, चाइना मुल्क पहले भी था लेकिन जमहूरी तौर पर दुनिया के नक्शे पर तस्लीम शुदा नहीं था, हदीस में चाइना तो को मुल्क की हैसियत से नहीं बल्कि जगह की हैसियत से कहा गया है, मुल्क के तौर पर इसको बाद में तस्लीम किया गया। मरियम शजर क्या बात है, क्या बात, क्या बात है अभी, क्या बात है मरियम शजर आपकी, अच्छा लिखा है आपने। अब हम एक और मुल्क का हम ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो है कर लें, वैसे अगर मेरा ख्याल है आज के दौर में जो सूरत हाल है चाइना के साथ ही बेहतरीन सूरत हाल पाकिस्तान की है, इम्पोर्टेंट तो यही है, अगर आप कहते हैं तो एक और मुल्क हम कर लेते हैं। मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं ईरान, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हैं, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात हैं, ईरान सऊदी अरब भारत अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान सऊदी अरब भारत, अफगानिस्तान ईरान सऊदी अरब भारत, चारों में से कोई ये कर ले या यहीं पे इक्तफा करें। चारों कर लें, चारों में से कोई ये कर लें, बाकियों में से सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है, ईरान है, भारत है, इंडिया, इनके साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के अहमियत का हामिल है रहे हैं, अफगानिस्तान भी है, अक्सर नज़ीर साहिबा की ख्वाहिश है कि हम सऊदी अरब का भी कर लें, करें कुछ आगे सऊदी अरब का कर लें, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा, अक्सर नज़ीर नहीं बोली है, चलिए अक्सर नज़ीर साहिबा आपके कहने पर ये हम मुख्तसर सा इसका तारुफ करते हैं, पढ़ेंगे।
باقی اور میں کوئی نہیں کروانے والا ہوں، نہ ہی کرنے کی اتنی میرا نہیں خیال کوئی اہمیت ہے کوئی ضرورت ہے. یہ بھی میرے نظیر میرے نزدیک آپ کے اسٹڈی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، ٹیسٹ پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن آپ کی خواہش پر اکثر نظیر میں یہ آپ کو کروا رہا ہوں، ورنہ چائنا ہی کافی ہے آج کے دور میں. یا افغانستان والا معاملہ بھی، افغانستان کا یا امریکہ کا سعودی عرب کا، یا پھر بہت نجی سی بحث آتی تھی. آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آواز آپ کو لوگوں بچوں میری؟ آ رہی ہے آواز، باقی بچے آپ وہ کر لیں ریفریش کر لیں جس کو نہیں آتی ہے آواز. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو واضح کیجئے، سوال ہے اور جواب ہے میرے پاس تیار، بالکل مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں پیش کروں گا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہمیشہ سے برادرانہ تعلقات قائم رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلقات میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. پاکستان سعودی عرب کو اپنا ایک قابل اعتماد اور معتمد سمجھتا ہے، اتباع کرنے والا، ماننے والا. پاکستان سعودی عرب کو ہمیشہ اپنے قابل اعتماد ساتھی سمجھتا رہا ہے سعودی عرب کو. جی میں بتا رہا ہوں پس منظر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات، برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں ان کے ساتھ. برادرانہ تعلقات رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور ہمیشہ سے اس پہ اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں ہوئی، زیادہ ہی ہوئے ہیں تعلقات، بہتر ہی ہوئے ہیں، زوال کا شکار نہیں ہوا کبھی یہ رشتہ. پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کو ایک با اعتماد دوست سمجھا اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور 1965 کی جنگ اور 1971 کی پاک بھارت جو جنگیں ہوتی رہی ہیں ان کے موقع پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کو کروڑوں روپے ملینز دیے ہیں، امداد کی ہے، مالی امداد سعودی عرب نے پاکستان کی ہے 1965 کی جنگ میں بھی اور 1971 1971 کی جنگ میں بھی، پاک بھارت جنگ میں بھی پاکستان کی مالی مدد کی ہے سعودی عرب نے. پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اس لیے سعودی حکمران خصوصاً شاہ فیصل اور شاہ خالد پاکستان کو باقی سب ملکوں پر ترجیح دیتے رہے ہیں. شاہ فیصل آل سعود میں سے تھا اور شاہ خالد بھی، یہ بھی آل سعود میں سے تھا. ابھی اگر آپ کبھی جائیں نا حج عمرہ کے لیے، اللہ کرے ہم سب جائیں، تو وہاں پہ جو مکہ کی مسجد کے اندر جو دروازے لکھے ہوئے ہیں نا، مختلف دروازے ہیں ہر طرف، تو دروازوں کے اوپر نام لیے، یہ باب سعود ہے، یہ باب شاہ فیصل ہے، یہ باب شاہ خالد ہے، اس طرح سے نام لکھے ہوئے دروازوں کے اوپر. آپ کو انہوں نے اپنے شاہنشاہوں کے بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ دو خصوصی طور پر یہ دو شہنشاہ جو گزرے ہیں سعودی عرب کے یا پاکستان کو باقی تمام ملکوں پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا پاکستان. یہ بس انٹروڈکشن ہی آپ کو دینا ہے، اتنا عام نہیں ہے، یہ صرف اکثر نظیر کے کہنے پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ لکھتے جائیں اس کو، آج ہی مکمل کروں گا. مریم اچھا، ان کے جو تعلقات ہیں یہاں سے پاکستان سعودی عرب کی صنعتی ترقی کے لیے، سعودی عرب کی صنعتی ترقی کے لیے پاکستان یہاں سے انجینئرز، یہاں سے ڈاکٹرز، یہاں سے نرسز اور دوسرے کئی فنی ماہرین بھیجتا رہا ہے سعودی عرب کی صنعتوں میں ترقی کے لیے. ٹھیک ہے،
پھر سعودی باشندوں کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں تربیت کی صورتیں وہاں پہنچائی گئی ہیں۔ پاکستان میں انجینئر اور میڈیکل کالجوں میں عرب ممالک کے طلباء کے لیے خصوصی نشستیں اور سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ عرب ممالک سے اگر کوئی یہاں پہ پاکستان میں ایڈمیشن لیتا تھا ایم بی بی ایس میں، کسی بھی میڈیکل فیلڈ میں یا انجینئرس میں، یونیورسٹیوں میں، گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ان کے لیے کوٹا رکھا جاتا تھا ہمیشہ سعودی عرب کے لوگوں کے لیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی ہیڈنگز میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، اگر وہ لکھ لیں آپ اپنے پاس تو اگر آپ ہی جاتا ہے سوال تو آپ اس کو لکھ لیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی سعودی عرب میں، اس لیے پاکستان کی خاص تعلقات ایک خصوصی تعلقات، ایک خاص جہد رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ قیام پاکستان اور سعودی عرب، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے قیام پاکستان اور سعودی عرب۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں پہلا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1951 میں دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، دوستانہ تعلقات بحال ہوئے۔ ایک معاہدہ کے ذریعے جو 1951 میں ہوا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، قیام پاکستان سعودی عرب کی میں پہلی ہیڈنگ یہ ہے قیام پاکستان اور سعودی عرب۔ دوسری ہیڈنگ ہے مالی امداد۔ سعودی عرب نے پاکستان میں مختلف فیکٹریاں لگانے کے لیے اربوں روپے کی امداد فراہم کی، جن میں سیمنٹ وغیرہ کی فیکٹریاں تھیں، سیمنٹ اور دیگر فیکٹریاں لگانے کے لیے بھی مالی امداد کی پاکستان کو سعودی عرب نے، اربوں روپے کی فیکٹریاں لگانے، انڈسٹریز لگانے کے لیے۔ اور پھر دفاعی میدان میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے تعاون کیا، اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے تعمیر کے لیے خطیر رقم دی تھی۔ فیصل مسجد کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعی سچی بات ہے۔ شاہ فیصل پاکستان جب آیا تھا تو اس نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ جگہ دیتا ہوں، یہاں پہ چاہتا ہوں ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک یونیورسٹی کا قیام ہو۔ تو انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اس نے باقاعدہ فنڈ بھی لیا پاکستان کو، اور وہ جہاں پہ یونیورسٹی بنائے گی اس کے ساتھ ہی، یونیورسٹی کے ساتھ ہی ایک مسجد تعمیر کی گئی، اس مسجد کو شاہ فیصل مسجد کا نام دیا گیا، فیصل مسجد جس کو ہم کہتے ہیں۔ فیصل مسجد جانا ہے؟ فیصل مسجد گئے ہو کبھی؟ دیکھیے فیصل مسجد، اس طرح کی جو ہم باتیں کہتے ہیں، یہ شاہ فیصل کی خطیر رقم سے بنائی گئی، تعمیر کی گئی مسجد ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں مدد کی گئی، کی پاکستان کی سعودی عرب نے مدد کی۔ باغ بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا، موقف کو کی حمایت کی ہے مسئلہ کشمیر پر بھی، یہ ہم آگے بھی بات کریں گے۔ مسئلہ افغانستان اور سعودی عرب، افغانستان کے مسئلہ پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 کے مشرق کی بستی وسطی کے انتشار میں پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کے موقف کی تائید کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ سعودی عرب کی مقدس سرزمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ مسئلہ افغانستان سعودی عرب، یہ کیا مسئلہ تھا بھلا؟ یہ اس میں تو اتنا کلیئر نہیں لکھا ہوا، کسی اور کتاب سے دیکھتا ہوں میں۔ سعودی عرب پاکستان کی رہتی ہے، سعودی عرب پاکستان میں چند مختلف دوستوں میں جس نے پاکستان میں سفر کیا، سرکاری دورہ کیا، شاہ خالد پاکستان آئی اور Thank you.
چلے اگر مجھے یہاں سے کسی اور جگہ سے بھی نظر آتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں افغانستان والا کیا معاملہ ہے. مسئلہ افغانستان سعودی عرب, اس میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کے مسئلے پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے, لیکن یہ بات 1991 کی ہو رہی ہے. یا تو 1991 یہ بات میں یہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی تھیں جس کی پھر مخالفت پاکستان نے بھی کی تھی, اور اسی مخالفت کی حمایت جو ہے نا سعودی عرب نے بھی کی تھی, لیکن یہ تو 1991 کے بعد کی بات ہے. مسلمانوں کو جو امریکان عیسائی فوجوں نے جو ظلم و ستم کیا تو اس کی مخالفت کی حمایت سعودی عرب نے کی تھی پاکستان کے افغانستان کے مسئلہ پر. یہ بات ایسے ہے ویسے. اچھا اگلی جو بات ہے ہیڈنگ وہ یہی جو ہم نے اس میں بھی کی تھی پاک چائنا میں بھی, سیاستدان اور وفود کا تبادلہ. سیاستدان اور وفود کا تبادلہ وہ کیا تھا اس میں, یہاں پہ ہم لکھیں گے '74 میں شاہ فیصل لاہور آئے اور اسلامی کانفرنس کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا. پہلی اسلامی کانفرنس جو تھی نا, کانفرنس ملکوں کی اسلامی کانفرنس, انٹرنیشنل اسلامی ورلڈ اسلامی کانفرنس جو تھی پاکستان میں جو منعقد ہوئی تو شاہ فیصل کے دور میں ہوئی تھی 1974 میں, اس وقت وہ لاہور میں تشریف لائے تھے. پھر پانچ سال بعد 1979 میں شاہ خالد پاکستان آئے تھے 1979 میں. پھر اگلے ہی سال شاہ فہد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, شاہ فہد نے پاکستان کا 1980 میں شاہ فہد نے بھی پاکستان کا دورہ کیا. اور اس طرح سے پاکستان سے آپ دیکھیں, آپ پاکستان کے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کے موقع پر خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں. عموماً کو 1.5 لاکھ عوام یہاں سے ہر سال جاتی ہے پاکستان کو, جو کوٹا ملتا ہے نا حج کا, تو 1.5 لاکھ عوام پاکستان سے سعودی عرب حج کے لیے جاتی ہے ہر سال. عمرہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو پھر تو لاکھوں افراد یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کی پر. مجھے صحیح طرح سے ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن ہمارا یہاں سے ایک فوجی تھا پاکستان کا صدر, ایوب کے بعد آیا تھا, کیا نام تھا اس کا, ایوب کے بعد کا دور تھا جس کو پھر وہ فیصل مسجد کے ساتھ ہی اس کا وہ مقبرہ بھی بنایا ہوا ہے اسلام آباد میں, ضیاء الحق. جی ضیاء الحق صاحب بھی گئے تھے سعودی عرب میں, انہیں کے لیے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا گیا تھا اس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بھی سرکاری طور پر وہاں پہ گئے تھے. وہ شخصیت تھی ضیاء الحق کی, جب یہ وہاں پہ گیا تو خانہ کعبہ کا اس کے لیے دروازہ بھی کھولا گیا اور یہ اندر بھی داخل ہوا تھا خانہ کعبہ کے. تو یہ سیاسی وفود ہے نا سعودی عرب کے ساتھ تیرے نا تعلقات رہے ہیں. ٹھیک, اگلا ہم کرنے لگے ہیں جی, اگلا پوائنٹ ہم کیا کریں گے, سیاستدانوں اور وفود کا تبادلہ ہو گیا. معاشی امداد بھی آپ دیکھ لیں, ریسنٹلی بھی عمران خان کو انہوں نے معاشی امداد دی ہے. 1999 میں پاک سعودیہ اکنامک کمیشن جو ریاض میں قائم کیا گیا تھا, ریاض ان کا ہے ایک دارو خلافہ ہے شاید, یا بہت بڑا شہر ہے سعودی عرب کا, جدہ دارو خلافہ ہے یا ریاض ہے مجھے دونوں میں شک ہے. ریاض میں اکنامک کمیشن قائم کیا گیا تھا جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا. سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے 155 منصوبے پاکستان میں شروع ہوئے 1998 میں. انہیں کی تکمیل کے لیے معاشی امداد بھی سعودی عرب سے ہی آئی تھی. نیکسٹ ہیڈنگ ہے معاشی امداد کے بعد دو طرفہ, جی شاباش نمرا یہی تھی, دو طرفہ دوستی. 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا دورہ کیا, دو طرفہ دوستی کے معاہدوں پر دستخط ہوئے. اس طرح 2003 میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور کئی معاہدوں کے ذریعے دوستی کو مزید مضبوط بنایا, معاہدوں پر دستخط ہوئے. دو طرفہ دوستی 1999 میں پرویز مشرف نے سعودی عرب کا دورہ کیا, 2003 میں بھی دورہ کیا گیا سرکاری طور پر سعودی عرب کا.
अगली बात है मसला कश्मीर। 15 अक्टूबर 1965 को सऊदी अरब के वफद ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत की। सऊदी अरब ने 1965 में UNO की जनरल असेंबली में शिरकत की। इस वफद की क्यादत उमर सकाफ कर रहे थे। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौकफ की पुरजोर हमायत की। सऊदी अरब ने इजलास हो रहा था UNO में जनरल असेंबली का इजलास, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, उसमें बजाय के पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब ने ही पुरजोर हमायत दी पाकिस्तान की इस मौकफ की मसला कश्मीर पर जो था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बंदों को ज्यादा देर तक महकूम नहीं रखा जा सकता। अगर भारत अरबों के साथ खुशगवार ताल्लुक चाहता है तो वो कश्मीरियों को जल्द अज जल्द हक खुदारियत देने का इहतमाम करे, उनको आजाद कर दे। फिर अगले पॉइंट है रूहानी वाबस्तगी। पाकिस्तान की अवाम सऊदी अरब से रूहानी वाबस्तगी रखते हैं। मक्का मौजमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस शहर सऊदी अरब के इलाके हिजाज में वाकिया हैं। तमाम मुसलमान इस सरजमीन से बेपनाह किरदार रखते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और लाखों मुसलमान हर साल वहाँ जाते हैं और मुसलमानों के दूसरे हुक्मरानों से मिलने का मौका मिलता है। वो रूहानी वाबस्तगी है, आलम इस्लाम के मसाइल का हल पेश किया तलाश किया जाता है वहाँ पर। आज के दिनों में दिगर आलम इस्लाम के जो बड़े बड़े इस्लामी जो सियासी शख्सियात हैं आज के मौका पर वो सऊदी अरब आती हैं, सब इकट्ठे होकर मिल बैठते हैं और बहुत सारे आलम इस्लाम के जो मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाता है। ये भी बात है एक ठीक। खलीजी जंग, आखिरी पॉइंट आपको बता दूँ, खलीजी जंग मजबूरी है मेरा पढ़ना और आपका सुनना, आखिरी बात है, बात ख़त्म करते हैं। मेरा गला इस वक्त फिर एंड पे आ गया है, जो एनर्जी थी मैंने 3 टोस्ट खाए थे उसके ब्रेड अंडा और साथ जाम लगा के, तो उनकी एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है और वक़्त भी हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, होने वाला है। तो ये आखिरी बात सुन लें और गौर व फिक्र से सुन लें, हाँ, क्योंकि ये आखिरी बात ही हमारी अगले लेक्चर की पहली बात होगी। खलीजी जंग, खलीजी जंग फरवरी 1991 में पाकिस्तान ने कुवैत पर इराक के कब्जे की शदीद मजम्मत की और मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए अपनी फौजें सऊदी अरब रवाना की। अलमुख्तसर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्क इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बशिंदे आपस में भाई भाई हैं और दुख सुख में एक दूसरे के शरीक हैं, क्योंकि दोनों कौमों को बंधन में बांधने वाली इस्लाम की रस्सी बहुत मजबूत है। खलीजी जंग हुई थी 1991 में, बिल्कुल हुई थी खलीजी जंग, थे कि ये समुद्र के जो खलीज में जितने भी ममालिक UAE की रियासतें बनी हुई है ना, अरब एमिरेट्स के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE रियासतें जो हैं स्टेट्स जो है माबैन के, मतलब जंग हुई थी में पाकिस्तान ने कुवैत पर इराक के कब्जे की शदीद मजम्मत की थी। कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया था, इसकी शदीद मजम्मत की थी, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए अपनी फौजें सऊदी अरब रवाना की थी पाकिस्तान ने 1991 में। जी मरियम सजर, रियाज ही होगा फिर, सही है, जद्दा भी साहले समुंदर पे ही है, रियाज भी इस तरह से साहले समुंदर पे ही लगता है, तो रियाज ही होगा बिल्कुल। हमारा ये टॉपिक भी आज मुकम्मल हो गया। पहले हमने खारजा पॉलिसी पढ़ी, उसके बाद फिर हमने इनको दीगर ममालिक जो है पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात क्या हैं उसकी हेडिंग्स की हैं, और अब हमने की हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ क्या ताल्लुकात हैं वो भी हमने कर ली है। बच्चे कोई लिख दें उसको, लिख कर ग्रुप में शेयर कर दें, यहाँ पर शेयर कर लें, दूसरों के लिए रहनुमाई हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि अगर अल्लाह करे आसान सवाल बन के ये आ जाए पेपर में, तो आप इसको अच्छे अंदाज से अटेम्प्ट कर सकेंगे, लिख सकेंगे इसके ऊपर। अब लोग दोबारा वापस आते जाएं जो चले गए थे, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है क्लास का, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, अटेंडेंस दोबारा लगाते जाएं। अब मैं देख रहा हूं पहले 10 तादाद थी, अब 14 होगी एकदम से। जी मरियम साहबा ने लिख दिए हैं, शुक्रिया मरियम शजर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अपना बच्चों बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे प्लेटफार्म पे इसी पे। अल्लाह ताला आपको मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रहमतों के साए दराज रखे हम पर। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरातुहु व जन्नतुल हलालुहु व दोज़खुल हरामुहु व अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम व अश्कुरूली व ला तकफ़ुरून। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।